क्वेश्चन अरविंद गोयल जी का सवाल है गावस्कर। इनके पास सेल के 2000 शेयर हैं, 93 पे इन्होंने खरीदे हैं, होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक, क्या करना चाहिए? अगर 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो फिर होल्ड ही करना चाहिए। सेल ट्रेड करा अभी 85-50 पे, काफी गिरावट हुई फ्रॉम 105 to 80। अब फिर एक बाउंस मिले, बाउंस मिलेगा वो ले जाएगा 95-96 तक, नहीं जाएगा वहां पर रिफ्रेश लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से सेल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव ठीक ही होल्ड करना चाहिए। 95 में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन यस होल्ड करना चाहिए। थोड़ा प्रेशर आ सकता है 95 पे, लेकिन होल्ड करना चाहिए। अच्छा एक और सवाल लेते हैं, जेके टायर के 85 शेयर लिए अभिषेक अग्रवाल ने, 168, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना ठीक है? जेके टायर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया, इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है एब्जॉर्ब हो जाती है। अपमूव में है, अपमोड पे है, थोड़ा स्ट्रेच है, स्ट्रेच होगा नो डाउट, 300 भी आ सकता है गिरावट में, लेकिन वहां पर खरीदारी का मौका रहेगा। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका है, और इनको जो है तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल। ओके, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको होल्ड करना चाहिए।